नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रॉपर्टी वॉकअवे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर आपके साथ जुड़े हैं एक नया विला लेके, एक नई एलिवेशन के साथ। तो बात करूँ, हम खड़े हैं सेक्टर 123 में, जहाँ पे एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी मिलती है हमें हार्डली 150 मीटर की दूरी से। तो 200 फीट का एयरपोर्ट रोड रहेगा, जिसकी कनेक्टिविटी में ये विला आपका रहेगा। यहाँ से हार्डली 102 मिनट की एलिवेशन डिस्टेंस पे आपका एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी रहेगी। एलिवेशन आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो एलिवेशन देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर सा एलिवेशन के साथ ये विला हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। एलिवेशन में बात करूँ तो मैट फिनिश की टाइल का यूज़ किया गया है, टफन का यूज़ किया गया है, अच्छी ग्रिलिंग सामने यहाँ पे हमें दी जा रही है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। यूज़ बहुत अच्छा किया गया है। जो गेट के कलर्स रहेंगे वहाँ पे वाटर चीनो टाइल्स का यूज़ किया गया है। अच्छी सोलिंग स्मूथिंग और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रखे गए हैं। जिसकी बरम का एरिया है दोस्तों, वो काफ़ी स्पेशियस है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप यहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी अगर अपनी पार्क करना चाहते हैं तो इजीली इस एरिया में आपकी पार्क हो जाएगी। उसी के साथ अगर आप देखें तो एक ब्यूटीफुल एलिगेंस क्या है, ये तो यहाँ पे लाइटिंग वाले पिलर्स दिए जा रहे हैं, ये इवनिंग एम्बियंस बहुत अच्छा बना देते हैं आपके विला का। जी हाँ, शाम को अगर आप यहाँ को आते हैं तो ये जो लाइट अप करते हैं तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे लाइट देते हैं आपको, इंक्लूडिंग एज वेल एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करते हैं। तो एंट्री गेट जो रहेगा वो आपका ये रहेगा विला का। काफ़ी अच्छा ग्रिलिंग का गेट दिया गया है, अच्छी फिनिश की गई है इसकी, तो काफ़ी अच्छी हाइट इसकी रखी गई है। उसी के साथ एंटर करते हैं, आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस सा हमें एरिया यहाँ मिल रहा है। इसको आप एज एन इंटरनल पार्किंग के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के एडजॉइनिंग का जो एरिया रहेगा वो रहेगा टू व्हीलर पार्किंग का एरिया। जी हाँ, यहाँ पे आप इजीली 2 से 4 अपने टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस एरिया है दोस्तों। उसके बाद जो आप इसके साथ जो नीचे टैंक्स देख रहे हैं, ये सारे अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक रहेंगे, जिनकी कैपेसिटी नियर टू 3000 लीटर्स रहेगी। तो अच्छा एक पानी की यहाँ पे हम स्टोरेज का हमें वो ऑप्शन मिल रहा है। उसी के साथ जो ये विला रहेगा ये टोटली आउटर स्टेयर केस में रहेगा। इसका जो स्टेयर केस रहेगा आउटर में रहेगा। तो अगर आप रेंटल पर्पज़ या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी देख रहे हैं विला, तो उस बकेट में भी आपकी ये नीड पूरी करेगा। यहाँ से इसका एंट्री डोर रहेगा। एंट्री डोर की हाइट की अगर बात करूँ, जितने हाइट रहेगी विला के अंदर डोर्स की 8 फीट की रहेगी। उसके बाद ये इसका एंट्री डोर रहेगा दोस्तों, तो काफ़ी ही ब्यूटीफुल सा एंट्री डोर हमें दिया जा रहा है टीक प्लाई की फिनिश के साथ। यहाँ पे बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाए गए हैं, एक हैंडल भी लुक काफ़ी अच्छी दी गई है। जो लॉक्स रहेंगे सारे गोदरेज रहेंगे। तो इस विला के एंट्रेंस में अगर हम देखें, एंटर करते ही सबसे पहले हमारे सामने आ जाती है बहुत ही प्यारी बड़ी सी विंडो, जिसकी जो नेचुरल कंटिन्यूएशन है वो काफ़ी अच्छी हो रही है हमें इस विला में। इस एरिया को हम एज अ ड्राइंग एरिया अपॉइंट कर रहे हैं दोस्तों। तो जी हाँ, यहाँ पे आप एरिया अपना पहले से ड्राइंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा और फाइन सा स्पेशियस है ये एरिया बन रहा है। उसके साथ में अगर आपने वॉल अगर आप देख पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी वॉल ये डिज़ाइन वॉल हमें इंक्लूडिंग की जा रही है। इसीलिए इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्लीक है, काफ़ी अच्छा है, ब्राइट है, शाइनी है। नॉर्मली आपको वॉलपेपर दिया जाता है, एक नए ट्रेंड को यूज किया गया है पीओपी में, प्लास्टिक पेंट वाला एक फैशन भी आ रहा है आज की डेट में ये वाला आउटर, तो वो हम आपको ऑलरेडी बना के डिलीवर कर रहे हैं। अब जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ उसी के साथ में आपका लगेगा डाइनिंग एरिया। ये सारा आपका डाइनिंग एरिया रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आप इजली अपना 6 to 8 सीटर का डाइनिंग इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप देखें, फॉल सीलिंग लाइट जो आपको दी जा रही है वो काफ़ी अच्छे फिनिश के साथ दी जा रही है। बॉब लाइट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है, इंक्लूडिंग गोल्डन बॉब भी आपको बीच में ही दिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा ड्राइंग प्लस डाइनिंग है। तो आपको फॉल सीलिंग लाइट का भी जो फिनिश वॉल का दिया जा रहा है, ये कुल मिला के बहुत अच्छा फीचर है इस विला में। इसके साथ आपके डाइनिंग के सामने, जस्ट सामने आपके डाइनिंग के रहेगी ओपन किचन। तो किचन इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है दोस्तों। मैं सामने से जैसे कि देख पा रहा हूँ एल शेप की किचन दी जा रही है। तो जो एक्सेसिबिलिटी रहेगी किचन की, नॉर्मल किचन से बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इसका जो काम यूज़ किया गया है, ज़्यादातर किचन में काम किया गया है वो बहुत अच्छे लेवल का किया गया है। सारा सॉफ्ट क्लोजर्स दिया जाता है, एल्यूमिनियम फिटिंग्स दी जाती हैं, HDHMR की शीट्स दी जाती हैं, हाइड्रोलिक दिए जा रहे हैं, ग्रेनाइट फिनिश दी जा रही है, इवन सामने लिट्रीफाइड टाइल का यूज़ किया गया है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूँ इरीगेशन में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो हमें यहाँ पर मिल रही है, काफ़ी स्पेशियस किचन मिल रही है। तो कल को काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। एक जो बेस्ट पार्ट होता है किचन का, इस किचन का क्या है, वह ये सामने वाले विंडो। नॉर्मली अपने किचन में विंडो नहीं मिलती है दोस्तों, बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिल जाता है। इसलिए मैंने
एडिशनल विंडो ऑफ दिस लास्ट फ्लोर में मिली है, तो ये नेचुरल लाइट अच्छी बना के रखती है, लाइटिंग एक अच्छा करती है किचन को। तो आपकी फिटिंग्स रहेंगी जो सीधे फिटिंग्स किचन में भी दी जाती है, ईवन कोलर जैसा ब्रांड हमें मिल रहा है, ट्रस्टिंग ब्रांड है इसको, तो अच्छी क्वालिटी कुल मिला के मिलती है। इसी के साथ में रहेंगे हमारे बेडरूम्स, दो बेडरूम्स रहेंगे ग्राउंड फ्लोर पर। अब मैं फर्स्ट बेडरूम की ओर बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ बेडरूम कैसे रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी यहाँ पे भी फॉल सीलिंग लाइट का फिनिश किया गया है रूम में। जो इसकी एंट्री डोर हाइट रहेगी वो भी 8 फीट रहेगी। अब मैं अगर इसकी स्पेस की बात करूँ तो 10x14 के डायमेंशन के साथ हमें ये बेडरूम डिलीवर किया जा रहा है। सामने वॉलपेपर का काम बहुत ही अच्छा किया गया है, काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में अगर बोलूँ तो काफ़ी अच्छे सोच समझ कर प्लान किए गए हैं। इसी के साथ में यूनिक वार्डरोब हमें इसमें दिया जा रहा है, वार्डरोब भी फुल हाइट तक बना के दे रहे हैं, अच्छे वाइपर के सिलेक्शन के ऑप्शंस दे रहे हैं, शू रैक्स इंक्लूडिंग मिल रहे हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी फिनिश के साथ मिला है डिलीवर किया जाएगा। अटैच वॉशरूम का कंसेप्ट रहेगा, जी हाँ अटैच इसके साथ रहेगा आपका वॉशरूम। तो वॉशरूम में अगर बात करूँ तो फुल हाइट की टाइप का कंसेप्ट रहेगा, एंट्री स्किप फ्लोर रहेगा, इवन यहाँ पे भी लाइट्स का काम हमें करके दिया जा रहा है, डेविएटर को यूज़ किया गया है, कोलर जैसे ब्रांड को यूज़ किया गया है, गोल्ड प्लेटेड फिनिश में हमें टैप्स की जा रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये काफ़ी एम्बियंस क्रिएट कर रही हैं इस विला में, हमको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस विला को। आई होप आप लोगों को बहुत इन्जॉयमेंट मिल रही होगी बाई वॉचिंग दिस वीडियो। अब इस बेडरूम के साथ साथ हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड बेडरूम की ओर दोस्तों, और देखेंगे उस बेडरूम के फीचर्स। अब ये आ चुके हैं हम अपने सेकंड फ्लोर बेडरूम की तरफ। तो जो सेकंड बेडरूम है वो भी काफ़ी ही स्पेशियस अमाउंट में, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस हमें यहाँ पे मिल रहा है इस बेडरूम में भी। इसका जो डायमेंशन रहेगा सेम 10x14 का ही रहेगा दोस्तों। अटैच वार्डरोब हमें इस पर भी दिया जा रहा है, फॉल सीलिंग लाइट का कंसेप्ट इस वॉश बेडरूम में भी यूज़ किया गया है। सेकेंड जो थिंग है अटैच वॉशरूम इवन इस वॉश बेडरूम में भी यूज़ किया गया है, जी हाँ इसमें भी हमें अटैच वॉशरूम का कंसेप्ट है। तो जो कि बहुत ही अच्छा फीचर होता है रूम के साथ आपके वॉशरूम रहना, काफ़ी इजी एक्सेसिबिलिटी रहती है, फुल हाइट तक टाइल यूज़ की गई है। यहाँ पे अगर आप वैनिटी पे फोकस करें तो काफ़ी अच्छी वैनिटी यूज़ की गई है, जो कलर कॉम्बिनेशन है टाइल्स के साथ सोच के प्लान किए गए हैं, कोलर जैसा फिनिश इस वॉशरूम में भी दिया जा रहा है। तो जो बात होती है घर को सजाने की वो ऑलरेडी सजा सजाया घर में मिल रहा है एक तरह से, ये बहुत ही अच्छे और क्लीन ऑब्जर्वेशन के साथ फीचर्स को प्लान किया गया है। तो हम दोस्तों आ गए हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, इस ब्यूटीफुल से विला के फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ तो जो नॉर्मली आपके जो घर होते हैं विला होते हैं, जब आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो काफ़ी कंजस्टेड से हो जाते हैं, मगर इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते ही बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो ओपन एरिया आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेशियस सा हमें ये ओपन एरिया फर्स्ट फ्लोर पर मिल रहा है। अगर आप कुछ इवनिंग सेटिंग प्लान करनी है, एक झूला लगाना है, आर्टिफिशियल गार्डन बनाना है, तो अच्छी स्पेस हमें एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे भी मिल रही है। इसका जो सामने फिनिश रहेगा वो सारा ही टफन का फिनिश किया गया है, फिर स्टेनलेस स्टील, तो काफ़ी अच्छी एलिगेंस एलिगेंस देने के लिए फिलहाल को स्टील प्लान किया गया है। मिरर का वर्क रहेगा सामने, तो जो नेचुरल लाइट है वो खत्म नहीं होगी अगर आपकी सीढ़ियों में भी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है। इसके साथ जो ये वॉल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो फिनिश की गई है वुडन टाइल्स की फिनिश दी गई है, अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया गया है विला में, अच्छा एलिगेंस बनाया गया है। अब हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर के अंदर और देखेंगे हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अब हम एंटर कर गए हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो एंट्री में ही हमें एक बहुत अच्छा स्पेशियस सा ड्राइंग एरिया कह लीजिए, लिविंग एरिया कह लीजिए, इफ नीडेड आप अपनी किचन की प्रोविजन भी यहाँ बना सकते हैं। तो मल्टीपर्पज एक एरिया हमें यहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा वॉलपेपर का फिनिश दिया गया है, ऑलरेडी हमें इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स दिए गए हैं, विंडो का प्रोविजन बहुत अच्छा दिया गया है, फॉल सीलिंग लाइट का यहाँ पे काम किया गया है, जो एक स्पेस है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ही एरिया हमें दिया गया है जिसको हम मल्टीपर्पज भी यूज कर सकते हैं। इसी के एडवांटेज में रहेगा वन रूम सेट हमारा, जिसमें जो एंट्री है एंट्री फ्री है, और ये रूम हमें पूरी बता के दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छा फीचर है। थर्ड रूम इस विला का हम इसको काउंट कर रहे हैं। अटैच वॉशरूम का इसमें भी कंसेप्ट दिया गया है, अटैच वार्डरोब दिया गया है, जैसे कि मैं बता रहा था वॉलपेपर की फिनिश अगेन बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, वार्डरोब की फिनिश को हाइट तक लगा के बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो एग्रीगेशन में अगर
बातचीत है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स इस जगह में रखे गए हैं। अब इसी के साथ हम देखेंगे साइड पे एक हमें ऊपर लिए और अंदर है जिसको हम बैक टेरेस बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने बैक टेरेस की तरफ, देखते हैं वहाँ पर कितना स्पेस को ध्यान से रखा गया है। अब इसी के एडवाइजिंग में हमें दिया जाता है बैक टेरेस। अगर बात करूँ इस टेरेस एरिया की, यहाँ पे हमें टेम्प्रेरी स्टेयर्स भी बना के दी जा रही है, ऑलरेडी इंक्लूडेड मिल रही है। अगर आप टॉप फ्लोर तक जाना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से आप टॉप फ्लोर तक जा सकते हैं। ये आपका ओपन एरिया रहेगा बैक टेरेस का, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन फ्यूचर सिटिंग के लिए या अपनी कपड़े वगैरह यहाँ पर सुखाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर प्लान की गई हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर ये हमारा विला ख़त्म होता है दोस्तों। आई होप आपको ये विला बहुत पसंद आया होगा, जैसे कि हमने इसको पर्सनली एंजॉय किया है, आपने भी वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें जल्द से जल्द क्वेरीज के लिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद दिए गए साइड पर बेल आइकन को प्रेस जरूर।